दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव और आप देख रहे हैं नंबर वन MLM कंपनी। आज हम हैं मिस्टर रोहित के साथ, जिनके फेस पर काफ़ी टाइम से बचपन से ही काला ब्लैकिश था और ये एक साल से क्या यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका काफ़ी फेस अच्छा हो गया है, तो जानते हैं आज रोहित जी से। रोहित जी, तो बताइए आपका मतलब फेस की क्या परेशानी थी और किस तरीके से जो है आपको ये ठीक हुआ, काफ़ी हद तक ठीक हो गया? ये इनकी प्रॉब्लम थी जो कि काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, बताइए सर। ये अभी मैं सर से मिला था, मोहन से टीचर है विपिन कॉलेज से। हाँ। इन्होंने बोला ये काफ़ी साल से ऐसे एक साबुन यूज कर मेरे। अच्छा। मैंने सर साबुन तो साबुन से क्या ठीक होएगा जी? हाँ। सर ने ये बोला अरे एक बार कोशिश तो कर जी, कोशिश तो एक बार देख तो कोशिश तो कर दे। सर ने मुझे साबुन दी। हाँ। सर ने कोई इसका पैसा कुछ नहीं लिया मेरे से। अच्छा। मैंने साबुन लगाए दो दिन, लो ये मेरे चेहरे पे है। हाँ। इस साबुन से फर्क दिखा, इस साइड से लगा, इस साइड से भी हल्का हल्का था मामूली काला पड़ना था जी। अच्छा। साबुन ने दिखाया ये तो एक 15-20 दिन में उतर गया। अच्छा। साबुन स्टार्ट हो रही थी, सारे चेहरे पर स्टार्ट हो रही थी साबुन तो जी। रेत साबुन से मैं दूसरी साबुन लगाऊँ दुकान से मिलती है जी नंबर वन अलग से। हाँ। ये साबुन से कोई फर्क नहीं होता। अच्छा। जोर से मैंने जैक्सन साबुन सर ने साबुन दी। अच्छा। ये साबुन से रेत करकिरा होता है रेत जी, ऐसा रेत सब लगा था सोचते। अच्छा अच्छा। मैं सोचता यार कोई साबुन लगा के देख लो, साबुन से उतरता नहीं, साबुन से लगा तो ऐसा हो सकता है। एक साबुन की शिकायत ये थी जी, इससे रेत सब लगाते आते लग से लंबा ये जागे उठा देती है। जोन सर ने मेरे साबुन दी इससे जागे नहीं है जी, 5 मिनट बाद मुँह पर रगड़ देते हैं। अच्छा। ऐसा लगा साबुन कोई लगा रखे। तो गैनो जी सोप को ये अपने चेहरे पे मसाज किया करते थे? हाँ जी। अच्छा। सर ने मुझको बोला 4-5 मिनट लगा के मालिश कर इसकी, मजा ऐसे लगा के फिर ऐसे ही लौट जा, कोई पता नहीं चला साबुन। सुबह को मैं उठा देखा मैंने लगा के चेहरा भी साफ, अरे पन सा उतरा था। अच्छा अच्छा। तो ये आपका जो ब्लैकिश था ये पूरे पे था या मतलब अब कम दिख रहा है कैसे? सर ये साइड में ज़्यादा काला का ज़्यादा था जी। अच्छा। इस साइड में कितना कितना था लगभग ये जैसे अभी दिख रहा है तो ये कितना होगा? ऐसा जी एक्स पे है जी, फीका फीका था जी, साइड में फीका फीका सा था हल्का। अच्छा। लाल लाल से निशान से थे जी। हाँ। साबुन से टीटी टूब थे, सर ने मुझे टीटी टूब दी थी जी। अच्छा। टीटी टूब ने निशान से रह रहे थे, टीटी टूब ने साफ करे जी। अच्छा अच्छा। तो आपने कुल मिला के दो इसके प्रोडक्ट यूज़ करे अपने फेस पे, एक तो गैनोजी सोप जिससे आप मसाज किया करते थे। हाँ सर। और दूसरा टी ट्री क्रीम। हाँ जी। ओके। इसके अलावा आपने कुछ और यूज़ किया खाने में पीने में? नहीं सर, कोई नहीं सर। अच्छा, बस टी ट्री क्रीम और गैनोजी सोप से इनको इतना बढ़िया रिजल्ट मिला है कि इनका फेस बिल्कुल ब्लैकिश था, हाफ बिल्कुल ब्लैकिश था और राइट साइड में थोड़ा था, और राइट साइड में आप अगर देखेंगे तो इनका बिल्कुल चेहरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जो निशान थे वो सब कवर हो चुके, और लेफ़्ट साइड में इनका थोड़ा बहुत ही रह गया है। जो उनसे ऐसा है भाई, यहाँ पर भी ऐसा ही था सर। अच्छा। यहाँ पर बहुत फ़र्क लग रहा है। ओके। पहले हाथ लगाऊँ था आज पे पता चला था सर, अब नहीं चलता इतना। अच्छा अच्छा। तो ये इनका बेनिफिट है, ये इनका एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से DXN के बेस्ट प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देते हैं, जैसे कि DXN गैनोजी सोप एंड टी ट्री क्रीम। ये तो सिर्फ फेस पर एक ब्यूटी की बात हो गई, तो हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी और टॉपिक को लेकर के एक अदर टेस्टिमोनियल के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हम लोगों को कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।